ने अहम बैठक बुलाई है ताकि वो आगे की रणनीति तय कर सके। दरअसल दावा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़ मस्जिद बनाए थे, जिनको लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। उनमें मुख्य है अहमदाबाद गुजरात में 1645 में चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का तोड़ा जाना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1664 में सिद्ध ग्वाली मंदिर का तोड़ना, 1665 में सोमनाथ मंदिर का गुजरात में तोड़ा जाना, 1666 में भीमा देवी मंदिर पिंजौर हरियाणा में तोड़ा जाना, वहीं वाराणसी उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर मंदिर का 1669 में तोड़ा जाना विवाद का केंद्र बना हुआ है। 1670 में आरोप है कि गोविंद देव मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में औरंगजेब ने तोड़ा, 1670 में केशव राय मंदिर मथुरा यूपी में तोड़ा, वहीं 1685 में 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में तोड़ा। जिन जगहों पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद देश में चल रहा है, उनमें शामिल है वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद, जौनपुर उत्तर प्रदेश में अटाला देवी मंदिर बनाम अटाला मस्जिद, आगरा उत्तर प्रदेश में तेजो महालय बनाम ताजमहल, धार मध्य प्रदेश में वागदेवी मंदिर बनाम कमाल मौला मस्जिद, विदिशा मध्य प्रदेश में विजय मंदिर बनाम बीजा मंडल मस्जिद, पाटन गुजरात में रुद्र महालय मंदिर बनाम जामी मस्जिद, अहमदाबाद गुजरात में भद्रकाली मंदिर बनाम जामा मस्जिद, पंडुआ पश्चिम बंगाल में आदिनाथ मंदिर बनाम आदिनाथ मस्जिद, वहीं कुतुब मीनार दिल्ली में जैन मंदिर या फिर विष्णु मंदिर बनाम कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद, श्रीरंगपाटन कर्नाटक में टीपू सुल्तान जामिया मस्जिद बनाम हनुमान मंदिर। अब सवाल ये कि इन विवादों का साया आखिर देश पर कब तक हावी रहेगा। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमानों से आपका परिचय करा